हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर्स ऑफ क्लास 4। सो एवरीवन टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न पेज नंबर 4, चैप्टर 1। हियर वी हैव हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर कहाँ से आया, किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर इज अ क्वेश्चन विदाउट अ सिंपल आंसर। कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, आविष्कार किसने किया, उसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। There were many inventors who contributed in the development of computers. यहाँ पे बहुत से inventors हुए हैं, जो आविष्कार करने वाले व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने ये computer के development में, विकास में बहुत से योगदान दिए हैं। उन्होंने अपना contribution दिया है, अपना योगदान दिया है इस computer के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ऑफ कोर्स दिस डेवलपमेंट डिड नॉट हैपन इन वन स्टेप। और यह सटीक है कि यह जो विकास हुआ है वो एक ही स्टेप में नहीं हुआ है, बहुत समय लगा, बहुत से स्टेजेस हैं जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में आया है। तो देयर वर वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व, यहाँ बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, कंप्यूटर के विकास में। लेट अस ब्रीफली डिस्कस दोज स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो जो स्टेजेस हैं वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसका संक्षिप में डिस्कस करेंगे। डू यू नो दैट द टर्म कंप्यूटर्स कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। सो आपको पता है कि ये कंप्यूटर जो वर्ड है, ये कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट वर्ड्स विच मीन्स टू काउंट और कैलकुलेट। और ये कंप्यूट का मीन्स मतलब हो गया काउंट और कैलकुलेट, काउंट करना या कैलकुलेट करना, गणना करना, गिनती करना भी कह सकते हैं। इसका मतलब होगा कैलकुलेट और काउंट, विच इज दिस वर्ड कंप्यूटर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। अर्ली मैन यूज दियर फिंगर स्टोन एंड बोन्स टू काउंट। जो पहले के आदमी लोग थे वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए अपना फिंगर यूज करते थे, और स्टोन पत्थर का यूज करते थे, और बोन्स वो जो बोन्स होता है एनिमल्स का, बोन्स का यूज करते थे काउंट करने के लिए। तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेज आता है उसे हम एबकस कहते हैं। एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय चाइनीज अराउंड 5000 ईयर अगो। एबकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो चाइनीज लोगों ने इन्वेंट किया था, चाइनीज लोगों ने इसका आविष्कार किया था, वो 5000 ईयर्स अगो, वो 5000 ईयर्स अगो इसका इन्वेंट
हुआ था। द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस वॉज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ बेट्स अप एंड डाउन। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, एबकस इस प्रकार का होता था। इसमें दो स्टेप्स होते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड्स, और इसको काउंट करने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए इसके जो इसमें छोटे छोटे माला जैसा दिया गया है, इसको अप्स एंड डाउन्स करके कैलकुलेशंस किया जाता था। इसको अप्स एंड डाउन्स करके जो भी कैलकुलेशंस होता था वो किया जाता था। सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज एबकस। ये एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइनीज लोगों ने इन्वेंट किया था इसे 5000 ईयर्स एगो। उसके बाद आता है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन नेपियर इन 1550 एंड 1617 में ये इन्वेंट हुआ था। ये इसका आविष्कार हुआ था नेपियर्स बोन्स का, जिनका आविष्कार जॉन नेपियर्स ने किया था इन 1550 एंड 1617 में। नेपियर बोन जॉन नेपियर्स जो थे वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियंस थे एंड इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट भी थे। नेपियर बोन्स वर मल्टीप्लीकेशन टेबल रिटन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ हुड्स और बोन्स। ये नेपियर्स बोन्स जो इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, वो कुछ ऐसे दिखता था। नेपियर्स बोन्स का जो एक ऐसा टेबल जैसा था जो हुड और बोन्स से बनाया गया था। दिस इन्वेंशंस हेल्प इन मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, टैक्सिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये जो इन्वेंशन था जो जॉन नेपियर का, नेपियर्स बोन जिसे कहते हैं, उसका काम क्या था? उसका काम मल्टीप्लाई करना, इसमें डिवाइड कर सकते थे और उसका स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे और क्यूब रूट भी निकाल सकते थे। देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप्स विथ नंबर मार्क ऑन देम। जो हम इमेज में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें 0 to 9 नंबर्स है, वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो गया। उसे हम बोन्स भी कहते हैं और स्ट्रिप भी कह सकते हैं। इससे ये टोटल 0 to 9 स्ट्रिप्स था उसमें, एंड उसमें नंबर्स मार्क किए गए होते थे और इसी से वहाँ उस समय कैलकुलेशंस हुआ करता था। तो इस को ये जो नेपियर्स बोन्स है जो जॉन नेपियर्स ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट पेज वी हैव पास्कलिन। पास्कलिन इन्वेंटेड बाय ब्लाइज पास्कल फ्रांस इन 1642। ये पास्कलिन जो डिवाइस है वो ब्लाइज पास्कल ने इन्वेंट किया था, जो कि फ्रांस के थे और ये 1642 में इन्वेंट हुआ था। इसका आविष्कार 1642 में हुआ था। एंड ब्लाइज पास्कल्स वाज अ मैकेनिकल्स कैलकुलेटर। एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो पास्कलाइन था, वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन। और इस डिवाइस का आविष्कार करने का पर्पस, उसका उद्देश्य क्या था? इसको एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस करने के लिए ये इन्वेंट हुआ था, किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। जो पास्कलाइन जो डिवाइस है वो इस तरह दिखता था।
ये ब्लाइज पास्कल ने इन्वेंट किया था इन 1642 में. सो वाया सम ट्रॉनिंग डिस्कस एट द पॉइंट ऑफ द डिवाइस, जो ये डिवाइस है उसको इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ इसमें जो ये गोल आकार का जो डिस्क दिया गया है उसको घुमाकर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता था. आफ्टर क्रंचिंग द हैंडल द आंसर अपीयर ऑन द विंडो, और जो इस हैंडल को जो घुमाते थे उसके बाद जो डिस्प्ले में उसका आंसर इस वाइट डिस्प्ले में दिखता था. ये आंसर इस वाइट स्ट्रिप में अपीयर्ड होता था. तो ये एक पास्कालिन डिवाइस हो गया, ब्लाइस पास्कल द्वारा इन्वेंट किया गया इन 1642. इसका इस डिवाइस का आविष्कार करने का मेन उद्देश्य एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना था. सो नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल द एनालिटिकल इंजन एन इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ये जो एनालिटिकल इस इंजन जो डेवलप हुआ इन्वेंट हुआ वो इस हिस्ट्री में इसका कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही महत्व है. एंड द एनालिटिकल इंजन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वॉज द फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. जो ये एनालिटिकल इंजन था वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्वचालित ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाला फुल्ली पूरा अपने आप चलने वाला एक कैलकुलेटिंग मशीन था. डिजाइन बाय चार्ल्स बाबेज इन 1833. और इसका डिजाइन इसको किसने डिजाइन किया था, उसका चार्ल्स बाबेज ने डिजाइन किया था इन 1833 में. सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, एंड चार्ल्स बाबेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. जो चार्ल्स बाबेज हैं उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. दिस मशीन वॉज डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन. और ये डिवाइस बनाने से कॉम्प्लेक्स कठिन से कठिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते थे उसे भी करना आसान हो गया, उसे इस मशीन के द्वारा किया जाने लगा. सो इस एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बाबेज ने इन्वेंट किया था वो कुछ इस तरह से दिखता था, जिसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया जाता था, इसके द्वारा किया जाता था. सो नेक्स्ट में है हमारा टेबुलेटिंग मशीन्स. इन 1890 हरमंत हॉलरिथ इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन्स टू प्रोसेस डाटा फॉर यूएस सेंसस. जो हरमन हॉलरिथ थे उन्होंने जो ये टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंट किया था इन 1890, जिसको जो कि अब उस डाटा को प्रोसेस करता था. और ये फर्स्ट यूएस सेंसस में, उस समय के यूएस सेंसस में यूज हुआ. दिस डिवाइस कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन व्हिच हैड बीन पंस ऑन द कार्ड. जो कि टेबुलेटिंग मशीन इस तरह से दिखता था, इसमें कुछ कार्ड्स वगैरह होते थे उसे पंस करके उसे हाथ से छू के उसमें डाटा एंटर करते थे, वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को रीड कर लेता, ऑटोमेटिकली रीड द इंफॉर्मेशन विच इज पंस ऑन दिस ऑन इट्स कार्ड्स. जो कार्ड्स होते थे उसमें डाटा जो पंच होता था वो ऑटोमेटिकली ये टेबुलेटिंग मशीन उसे ऑटोमेटिकली रीड कर लेता था.
इन लेटर ईयर हॉलोरेथ मशीन्स बिकम वेरी यूजफुल फॉर वाइड वैराइटीज ऑफ स्टैटिकल एप्लीकेशंस। उसके बाद 1890 के बाद जो हॉलोरेथ मशीन था, जो टेबुलेटिंग मशीन था, वो वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होने लगा। उसका काम वैराइटीज ऑफ स्टैटिकल एप्लीकेशन में को करने में वेरी यूजफुल साबित हुआ। जो स्टैटिकल, जो अंक विवरण संबंधी कार्य होते हैं, एप्लीकेशंस काम होते हैं, वो करने में वेरी यूजफुल हुआ। इन फेबररी 1924 को हॉलोरेथ कंपनी चेंज इज नेम्स टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स और IBM। इन्होंने 1924 में, जो ये हर्मन हॉलोरेथ हैं, उन्होंने 1924 में अपने कंपनी का नाम, जो उनका हॉलोरेथ कंपनी का नाम, चेंज करके IBM में परिणत किया। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM, यू हैव टू नोट डाउन दिस, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो हॉलोरेथ के कंपनी से चेंज होकर अपना कंपनी का नाम IBM रखा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।